नमन मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और ये क्लास 10 CBSE 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 18 होगा, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, इफ द पॉइंट्स एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स दे रखे हैं, प्रूव करना है हमको बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये लाइन सेगमेंट है ए बी, दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इसके बीच पर एक पॉइंट है पी, और ये जो ए पी इज इक्वल टू पी वी है, मतलब दोनों के जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। अब हमें प्रूव करना है कि बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई है। अब दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला है, सो यदि वो कह रहे हैं इक्वल डिस्टेंस है तो ए पी इज इक्वल टू पी वी होगा। अब कोई नंबर इक्वल है तो उनका स्क्वायर भी इक्वल ही होगा, सो हम ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी वी स्क्वायर ये लिखेंगे, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करेंगे, सो ए प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी लेंगे, सो ए माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला बन गया है, हमारा फॉर्मूला बन गया है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जिसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। अब इसको हम इसी तरह खोलेंगे, यदि खोलते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आता है टू ए बी, टू की मल्टीप्लाई करेंगे, ए और बी की जगह ही है। फिर आता है प्लस टू बी सी, अब देखिए यहां पर माइनस आएगा इस क्वेश्चन की तरह, क्योंकि b की प्लेस पर b है लेकिन c की प्लेस पर माइनस एक्स है, इसीलिए ऐसे होगा 2ca, इसीलिए माइनस 2ax होगा। अब यहां पर करते हैं, सो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर से होता है प्लस 2ab। अब देखिए 2a 2 होगा मल्टीप्लाई में, a की जगह b है और b की जगह माइनस a है, सो माइनस 2ab। फिर होता है 2bc, bc माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे सो प्लस होगा, तो 2ay या y ये लिख सकते हैं। ऐसे ही यहां पर माइनस वाई और b की मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस 2by या yb इज इक्वल टू, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 2ab माइनस टू ए बी, यहां पर आएगा फिर प्लस टू बी एक्स माइनस टू ए एक्स, ठीक है। अब इस वाले को सॉल्व करेंगे, इस वाले को सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, माइनस टू बी वाई माइनस टू ए वाई। अब जो सेम होगा हम उनको माइनस कर देंगे, जैसे ए स्क्वायर यहां पर भी स्क्वायर ये कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहां पर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। क्यों हमने ऐसे सेम क्यों करे, क्योंकि यहां पर प्लस था उधर आकर माइनस हो जाता, यदि यहां पर प्लस था तो उधर जाकर माइनस हो जाता, इसलिए हमने डायरेक्ट ऐसा ना करकर डायरेक्ट जो सेम थे इनको माइनस मतलब कैंसिल कर दिया। ऐसे यहां पर प्लस टू ए बी है, यहां पर भी प्लस टू ए बी है, तो हमने इन्हें भी कैंसिल करा। यहां पर माइनस टू बी एक्स है लेकिन यहां हमें नहीं है, यहां पर माइनस टू एक्स है यहां पर भी है, दोनों को कैंसिल कर दिया। यहां पर माइनस टू ए बी यहां पर भी माइनस टू ए बी, दोनों को कैंसिल करा। यहां पर टू ए वाई माइनस का नहीं है, यहां पर प्लस का है लेकिन यहां पर माइनस का है तो कैंसिल नहीं हो सकते। यहां पर माइनस टू वाई भी है वहां पर भी है तो दोनों को कैंसिल कर दिया। अब देखते हैं क्या बच गया, यहां पर हमारा बचा है माइनस टू बी एक्स और प्लस टू ए वाई, और वहां पर हमारे बचे हैं टू बी एक्स माइनस टू ए वाई। अब हम बी एक्स वाले टर्म्स को एक साथ लेंगे और ए वाई को एक साथ लेंगे, ऐसा करने से यहां पर फोर ए वाई इज इक्वल टू फोर बी एक्स होगा। अब बी एक्स से बी एक्स कैंसिल, सो ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स या बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई आ गया। ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अटपटा सा कर देता है बच्चों को, क्योंकि अजीब सा लगता है क्योंकि a प्लस बी और b माइनस ए है। यदि मैंने भी पहली बार ये क्वेश्चन देखा था तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था।
ऐसे ही मैं समझता हूं कि सब कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन था और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ये हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते रहेंगे तो x या ay इज इक्वल टू bx प्रूव हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इफ यू लाइक वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।